हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज़ वन यू वेलकम टू माय चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू अनदर सिटी, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. सो वी आर गोइंग हियर, द ट्रेन इज हियर. वेट, सी, मे बी यू कैन सी, दिस इज माय ट्रेन. मेरा एक दिन का ट्रिप है, तो मैंने जाना है, घूमना है. आप लोगों के साथ घूमूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी. वैसे कीव कहते हैं बहुत खूबसूरत है, और सच में यूरोप तो वैसे ही खूबसूरत है, काफ़ी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. तो जाएंगे, अभी मेरे साथ चलिएगा. अभी मेरी ट्रेन आ गई है, चलने में अभी टाइम है, बट फिर भी अपनी सीट जाके ढूँढूँ. ठीक है, अभी ट्रेन के अंदर जाके मिलते हैं आपसे. मैंने सोने के लिए अपना बिस्तर सेट कर लिया, क्योंकि 7 घंटे का सफ़र है, तो एकदम सो के जाऊँगे. रात पूरी सोकर गुजरी, अभी सुबह सुबह आँख खुली, अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं. और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है ना. फ्रेशमेंट मिली है देख के ना, एकदम दिल फ्रेश हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त है. 10-15 मिनट के अंदर अंदर हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह कीव. तो अभी सुबह के 6 बजे में और हम पहुँच गए हैं, जल्दी दिन चढ़ गया ना. और अब हम पहुंच गए हैं, देखते हैं एक दिन में हम क्या देख सकते हैं. बिकॉज़ मेरा ये एक दिन का प्लान था, बस मेरा अचानक से मूड बना कि कीव घूम के आते हैं. तो मैंने रात मतलब घंटे पर ट्रेन बुक कर ली और मैं यहाँ आ गई. मुझे खुद आइडिया नहीं है मैं कीव कर क्या रही हूँ, मतलब बस मेरा दिल किया मैं आ गई. तो लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर. अभी हम ट्रेन स्टेशन के अंदर ही हैं, अभी इससे बाहर निकलते हैं और आपको इस सिटी की बाहर की दुनिया दिखाते हैं. ये यूक्रेन की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, मतलब इस तरह वो लोग कढ़ाई करके शर्ट्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं, जिसे वशवानका कहते हैं. यूक्रेन में इन ड्रेसेस को वशवानका कहते हैं ना, और ये लड़कों की है. ये ट्रेन स्टेशन के अभी अंदर का ही व्यू है, बहुत प्यारा सा गुम्बद सा बना हुआ था. और आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जो कि आप देख भी सकते हैं कितना एक यूनिक सा और अलग सा लग रहा था. अभी चलते हैं बाहर. अभी मैं सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ जा रही हूँ, तो मैं मेट्रो से मैंने सोचा जाती हूँ. और आप मेट्रो देख सकते हैं कितना लंबी इसकी स्टेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड पर होती है. ये ले मेट्रो आ गई, क्योंकि अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है. हर कोई अपने ऑफिसेज वगैरह में जा रहा है और अपनी काम की जॉब वाली जगह पे जा रहा है. और अभी हम ये मेट्रो से सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच गए हैं, और अभी मतलब बाहर निकल रहे हैं मेट्रो से. तो ये देख सकते हैं आप कितना दूर है, बहुत लंबा, मतलब बहुत नीचे अंडरग्राउंड पर है ये ना, बहुत ज़्यादा मतलब लंबी सीढ़ियाँ होती हैं, मतलब कि आपकी हद निगाह ख़त्म हो जाती है. तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेंटर ऑफ द सिटी. आप इनका आर्किटेक्चर वगैरह देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है. इनकी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव हैं, एक यूनिक सा, एक हर एरिया का एक यूनिक स्टाइल होता है. अभी ये आंटी को चेक करें एकदम कप पे, फिर भी हैंडसम है. मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली है, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सोचा कॉफ़ी पीऊँ और थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाएगा. तो अभी हम जा रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप आर्ट जैसी जगह है, वहाँ जा रहे हैं. और कहते हैं वहाँ से कीव दिखता है. तो बहुत इतनी ऐतिहासिक जगह है कि मुझे भी नहीं पता. पीछे वाले बंदे को तो चेक करो. तो ये कीव का सेंटर है इस सिटी का. ये अक्सर आप लोगों को फोटोज़ में दिख रहा होता है ना, काफ़ी प्यारी जगह है. अभी मैं मैकडोनल्ड्स गई थी, मैंने थोड़ा अपने बाल वगैरह बांधे हैं और थोड़ा मुंह धोया है, ठीक है, तो इसलिए फ्रेश होके अब चल रहे हैं मेन सिटी की तरफ. ये चेक करें, जोड़ी चेक करें, इंशाल्लाह कितनी खूबसूरत है. बस जब आसमानों पे बनती हैं जोड़ियाँ, तो
फिर ऐसे शाहकार, खूबसूरत शाहकार निकलते हैं। वाह खुदा तेरी खुदाई। इसका नाम शीला। हम पहुंच गए हैं फ्रेंडशिप आर्क। चलो करीब जाके फोटो बनाते हैं। मैं वहां जाऊंगी, वहां जाके बैठ के फोटो बनाऊंगी। ये डिनिप्रो रिवर है और इसका नाम डिनिप्रो है, ठीक है। और वाह, तो पूरा सिटी दिख रहा है। ओह माय गॉड, हिम्मत नहीं हो रही। चकुरु इतनी गहरा है। ये तो उल्टी कर रही है यार। तो अभी हम इस प्यारी सी जगह पे थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों को दिखाए हैं। ये पार्क है और फुल ऑफ ग्रीनरी है। सीरियसली एडमिट करना पड़ेगा, यूक्रेन में बहुत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत है। चले चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। ये चेक करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये किसकी शक्ल है, कौन एडमिट करना चाहता है इस शक्ल को। नीचे पहुंच कर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। वो वहाँ बीच भी है। चलें लेट्स गो। बहुत लंबा रास्ता तय किया है, वो ऊपर से आ रहे हैं, पैरों में दर्द होने लग गया है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना ज़बरदस्त ये है। वाह, मेरा प्लान अभी बीच पे जाने का है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा अभी कितनी दूर है। और हमें यहाँ से रास्ता तय करना है और वहाँ बीच पे जाना है। तो अभी बीच पे जाके मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा। ये चेक करो, ये चेक करो, ओपन जिम्स हैं यहाँ। आप सुबह सुबह आओ, वॉक करने आओ और जिम करो अच्छा सा। देखिए काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। और अच्छी चीज है यार, रियली आई लाइक इट। तो अभी मैं बीच पे आई हुई हूँ। देखिए ये चेक करो, बोट बनी हुई है। बट ये आई थिंक सो वो वाइन वगैरह का बार वगैरह है, ठीक है। और पीछे ये है, यहाँ एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब हम यूक्रेन के जंगलों में पहुंच गए हैं। चेक करो, ये खतरनाक झाड़ी है, इसे हाथ लगाने से मतलब मर सकता है। चलो चलते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से मैं चलते चलते बहुत आगे आ गई। अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, शुगर करें, मैंने ये स्नैक लिया हुआ था। अभी मैं स्नैक खाऊंगी, बहुत भूख लगी थी। तो मुझे रेत से क्या मिला, ये और भी पड़ी। छोटा छोटा
ये देखें स्ट्रीट पर फवारे लगे हुए हैं ऐसे, पानी इनसे थोड़ा थोड़ा निकल रहा है फवारों की तरह, और गर्मी से बचने का तरीका वाओ। मैंने जब चॉकलेट खाई ना तो मेरी पेंट पे गिर गई, रुको दिखाती हूँ, मेरी जीन्स गंदी हो गई। ये देखें एक रोशन की शॉप, और इन्होंने एक बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा स्टाइल बनाया हुआ है, और रोशन का ब्रांड यहाँ चॉकलेट के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप कभी यूक्रेन विज़िट कर रहे हैं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो रोशन की चॉकलेट ज़रूर लेके जाइएगा, बिकॉज ये यहाँ का फेमस ब्रांड है। आगे चलते हैं, अंदर देखते हैं। एकदम एक तो ठंड, मतलब अंदर एसी चल रहा था, थोड़ा गर्मी है ना तो एसी चल रहा था, अभी मज़ा आया। और देख के ये देखें कितनी ज़बरदस्त इन्होंने अंदर डेकोरेशन वगैरह की है। बच्चे आए तो यहाँ वे भी जाएँगे भाई मैंने यहाँ रहना है, और बहुत खूबसूरत है। चीज़ें देखें ये कितनी क्यूट क्यूट पैकिंग में इन्होंने पैक किए हुई हैं। आपको इतनी तरह की चॉकलेट्स यहाँ देखने को मिलेंगी, और बहुत यहाँ आके दिल ज़रूर करता है एक बार बंदा चॉकलेट ज़रूर खाए। बहुत ज़बरदस्त एक सारा चॉकलेट का इन्होंने एक म्यूज़ियम टाइप लगा मुझे। मैंने वो ये देखें यहाँ पंखा शुगर लगा था, तो मैंने शॉर्मा लिया और साथ कोक ली है, और अब ये खाते हैं। बहुत भूख लगी है, सुबह से नहीं खाए, अब बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ गया खा के। वाओ, कीव में अगर विज़िट करें तो बिग मामा का शॉर्मा ज़रूर टेस्ट करें, सच में आई स्वेयर बहुत टेस्टी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू गाइस कैन सी मी ऑन अनदर चैनल, नेम इज अरिदास। एक्चुअली रैंडम इनसे मुलाकात हुई है, और लकीली ही नो माय चैनल, वाओ। लाइक दो से तीन दिन पहले मैंने इनका चैनल देखा है, मैंने अपने एक बड़े अजीज दोस्त के साथ शेयर किया, डॉक्टर तैमूर खान के साथ। और एज यू गाइस नो वेल, और जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं बताता चलूँ, मैं खुद यूट्यूब चैनल गालबन पहला पाकिस्तानी यूक्रेन में हूँ जो यूट्यूब कर रहा हूँ। मैंने इनको भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने कहा इंशाल्लाह जब टर्नोपिल जाएंगे इनसे मुलाकात करेंगे। मैं इनका चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगी, तो और मैं इनका कर दूंगा। थैंक यू सो मच, और आप जाके ना चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, पहली पाकिस्तानी लड़की जो कि व्लॉगिंग कर रही है, और बहुत बोल्डली कर रही है, मतलब कि जेन्युइनली इजी होके जैसे फॉरेनर्स दिखाते हैं और यूक्रेन में कर रही है, मुझे बहुत वाकई बहुत अच्छा लगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कीप इट अप, कंटिन्यू। और मैंने भी अपने दोस्तों में शेयर किया, जैसे उसने खुद बताया कि मैंने शेयर किया, मतलब मैंने बताया, मैंने कहा यार पाकिस्तान लड़की आ गई माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप कंटिन्यू। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन की तरफ चल रहे हैं, तो मैंने सोचा रास्ते में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा दें। देखें इनकी लंबाई जो उसकी है ना आसमानों को छू रही है, और एकदम बड़ा शहर है ना, तो ज़बरदस्त था। मैंने कहा चलें साथ साथ चलते चलते आपको ये चीज़ें भी दिखाते जाएं। और अभी हम बस ट्रेन स्टेशन पहुँचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, और अभी ट्रेन की टिकट ली है मैंने, और अभी टर्नोपिल निकलूँगी 2 घंटे बाद, तो अभी 6 बजे हैं और इंशाल्लाह 8 बजे तक ट्रेन है, और 2 घंटे में भी कुछ खाऊंगी या देखते हैं क्या करते हैं, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी, ठीक है। तो लेट्स गो समवेयर वेयर, लेट मी शो यू अ चर्च, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। वहाँ मेरी सिटी में है मैकडोनल्ड्स है, KFC अवेलेबल नहीं है, बट आई रियली लव KFC एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स। मुझे उसका पता नहीं क्यों खाना वगैरह कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, एक्सेप्ट स्मूदीज एंड। बाहर बैठ के खाते हैं मुझे, तो चलें बिस्मिल्लाह करें। वाओ ये चेक करें। तो अभी हमने मैं ट्रेन में आ गई हूँ, ये देखें, और रुके मैं दिखाती हूँ, ट्रेन में आ गई हूँ, और ये मेरा नंबर है, यहाँ कुछ बढ़िया हैं। मैंने बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी 8 बजे हैं, और मुझे लगता है मैं तो जैसे ही लेटूंगी मैं तो सो जाऊंगी भाई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट
इट वॉज अ नाइस डे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एंजॉयड अ लॉट एंड मेरी तो आवाज़ भी बैठ गई है ना, बट एनी हाउ अच्छा था और आप लोगों से अब घर जाके मुलाकात होती है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। या मैंने इतनी मेहनत से बनाया है तो यू शुड भी। ये मैंने अपना ऊपर बिस्तर सेट कर लिया, ठीक है। मैं तो ऊपर आ गई हूँ लेकिन नीचे जो हैं आंटियाँ वो एकदम शराब पी रही हैं, एकदम अजीबोगरीब से खाने, मतलब क्या बोलूँ, शोर खा रही हैं, तो फिर थोड़ी बहुत ऐसे बदबू भी आती रहती है, लेकिन किसी के देश में रहना पड़ता है ना। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं सोने लगी हूँ। तो अभी हम अपने सिटी पहुँच चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।